हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पॉइंटर के बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, तो उसमें देखिए एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट थी कि उसमें हम लोगों ने जो यूनरी ऑपरेटर यूज़ किए थे, ठीक है, उसमें हमने पिछले प्रोग्राम में यूनरी ऑपरेटर एम्परसेंट और ये एस्ट्रिस, ये दोनों यूनरी ऑपरेटर यूज़ किए थे। अब हमें मालूम है कि ये दोनों जो ऑपरेटर हैं दे बिलोंग्स टू सेम प्रेसिडेंस ग्रुप एज द अदर यूनरी ऑपरेटर, यानी कि ये भी उसी प्रेसिडेंस ग्रुप को बिलोंग करते हैं जैसे कि बाकी यूनरी ऑपरेटर होते हैं। जैसे आपका हो गया ये डिक्रीमेंट का हो गया, फिर ये इंक्रीमेंट का हो गया, फिर आपका जो है डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है, फिर ये एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया, साइज ऑफ हो गया एंड टाइप हो गया। तो ये इसी प्रेसिडेंस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इन दिस ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स हैज ए हायर प्रेसिडेंस देन द ग्रुप्स कंटेनिंग द अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी ये जो ग्रुप ऑफ ऑपरेटर होता है इनका प्रेसिडेंस हाई होता है इन कंपेरिजन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर, इन कंपेरिजन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, एंड द एसोसिएटिविटी ऑफ द यूनरी ऑपरेटर इज राइट टू लेफ्ट, और इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि द एड्रेस ऑपरेटर एम्परसेंट मस्ट एक्ट अपॉन ऑपरेंड्स दैट आर एसोसिएटेड विद यूनिक एड्रेसेस सच एज ऑर्डिनरी वेरिएबल्स और सिंगल एरे एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि द एड्रेस ऑपरेटर कैन नॉट एक्ट अपॉन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, यानी ये जो हमारा एड्रेस ऑपरेटर है, जो हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में भी, ये जो एड्रेस ऑपरेटर है ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन पे, जैसे मान लीजिए कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है 2 × u + v, इसके ऊपर नहीं काम कर सकता है। दिस कैन नॉट एक्ट ऑन दिस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द इनडायरेक्शन ऑपरेटर एस्टरिस कैन ऑनली एक्ट अपॉन ऑपरेंड्स दैट आर पॉइंटर्स। अब ये जो इनडायरेक्शन ऑपरेटर है, दिस इज इनडायरेक्शन ऑपरेटर, ये किस पे काम करता है, ये काम करता है एक्ट्स ऑनली ऑन एक्ट्स अपॉन एक्ट्स अपॉन पॉइंटर्स ऑनली, केवल ये पॉइंटर्स पे ही काम करता है जो आपका इन डायरेक्शन ऑपरेटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ पी वी पॉइंट्स टू वी देन एन एक्सप्रेशन सच एज स्टार पी वी कैन बी यूज इंटरचेंजेबली विद इट्स करस्पॉन्डिंग वेरिएबल वी, हेंस एन इनडायरेक्ट रेफरेंस कैन अपीयर इन प्लेस ऑफ एन ऑर्डिनरी वेरिएबल विद इन ए मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ऑर्डिनरी वेरिएबल अगर आपको मान लीजिए वी को रिप्रेजेंट करना है, तो इसका जगह आप इनडायरेक्ट ऑपरेशन स्टार पी वी इस तरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक। अब मान लीजिए इसको हम एक एग्जाम्पल लेके आपको एक प्रोग्राम बना के आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए हमने ये एग्जाम्पल लिखा, अब इसमें हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, फिर हमने यहाँ लिखा मेन, फिर हमने लिखा इंटीजर u1 u2, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया इंटीजर u1 u2, फिर हमने डिक्लेयर किया इंटीजर वी इक्वल टू 3, फिर हमने यहाँ डिक्लेयर किया इंटीजर स्टार पी वी, ठीक है, ये इंटीजर हमने डिक्लेयर किया। अब इसके बाद ये जो स्टार पी वी है आपका, ये एक तरह से क्या हुआ, ये एक तरह से हो गया पी वी पॉइंट्स टू वी, तो इसको आप यहाँ कमेंट लाइन में लिख सकते हैं कि पी वी पॉइंट्स टू वी, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए आप नेक्स्ट लाइन पे। अब यहाँ मान लीजिए आपने लिखा u1 इक्वल टू
यू वन इक्वल टू टू इंटू वी प्लस फाइव, ठीक है, ये मान लीजिए कोई भी ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन है, इट इज ए ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पी वी इक्वल टू एम परसेंट वी हो गया, पी वी इक्वल टू एम परसेंट वी, और यू टू इक्वल टू हमने लिखा यू टू इक्वल टू टू इंटू स्टार पी वी प्लस फाइव, ये हो गया। तो ये क्या आ गया, ये आ गया इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमने प्रिंट एफ किया, प्रिंट एफ स्लैश एन यू वन इक्वल टू परसेंटेज डी यू टू इक्वल टू परसेंटेज डी कोट्स क्लोज्ड U1 कॉमा U2, ये हो गया, और यहाँ पे मेन की बॉडी बंद हो गई। अब इसमें देखिए क्या होगा कि दिस प्रोग्राम इन्वॉल्व द यूज ऑफ टू इंटीजर एक्सप्रेशन, एक ये इंटीजर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है प्रोग्राम में, ये वाला, और दूसरा ये इन्वॉल्व है। इसमें क्या होगा कि ये जो है ये तो आपका ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन है, और जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है वो दैट इन्वॉल्व पॉइंटर। तो देखिए यहाँ एस्टिस लगाया हुआ आपने, तो इसमें क्या है कि ये जो है स्टार पी वी, यहाँ पे पॉइंटर का इस्तेमाल है। द एक्सप्रेशन आर इक्वलेंट सिंस वी एंड स्टार पी वी ईच रिप्रेजेंट द सेम इंटीजर वैल्यू। तो अब ये दोनों जो एक्सप्रेशन है, दीज टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, ये दोनों जो हैं ये इक्वल है, क्योंकि इसमें V और चाहे स्टार पी वी, चाहे आप V लिखिए और चाहे आप स्टार पी वी लिखिए, ये दोनों जो है रिप्रेजेंट्स, दे रिप्रेजेंट्स द सेम वैल्यू, ये सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। द फॉलोइंग आउटपुट इज जनरेटेड व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, तो जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगा, U1 इक्वल टू आ जाएगा 16, ठीक है, यहाँ पे 5 3 8 2 नहीं 16 ये आ जाएगा, और U2 इक्वल टू भी आ जाएगा आपका, U2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्टार पी वी में कितनी वैल्यू है 3, और 5 3 8 2 नहीं 16, यहाँ पे भी आपको 16 आ जाएगा। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आपको ये आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एन इनडायरेक्ट रेफरेंस कैन ऑल्सो अपियर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट, दिस प्रोवाइड्स अनदर मेथड फॉर असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल और एन एलिमेंट। तो अब इसमें ये तो एक एग्जांपल हो गया, अब इसके बाद क्या है कि मान लीजिए अगर आपको इनडायरेक्ट रेफरेंस करना है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि एन इनडायरेक्ट reference can also appear on the left side of an assignment statement, ठीक है। इनडायरेक्ट रेफरेंस जो है लेफ्ट साइड असाइनमेंट स्टेटमेंट के लेफ्ट साइड पे अपीयर हो सकता है, एंड दिस, और इस तरह से इसी चीज को हम दूसरे ढंग से भी प्रोग्राम में लिख सकते हैं। तो अब दूसरे प्रोग्राम को बनाइए इसी चीज को लिखने के लिए। तो मान ली हमने लिखा एग्जांपल, अब हमने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, फिर हमने यहाँ लिखा मेन, यहाँ पे इंटीजर v इक्वल टू 3, इंटीजर v इक्वल टू 3 ये डिफाइन कर दिया, फिर हो गया आपका इंटीजर
स्टार पीवी। ठीक है, अब आप आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। यहां पे आपने लिखा पीवी इक्वल टू एम परसेंट वी। ठीक है, इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि पीवी पॉइंट्स टू वी। ठीक है, अब यहां पे जब आप प्रिंट एफ करेंगे, आपने लिखा प्रिंट एफ स्लैश एन स्टार पीवी इक्वल टू परसेंटेज डी, फिर वी इक्वल टू परसेंटेज डी, फिर आपने लिखा एस्ट्रिस पीवी कॉमा वी। ठीक है, ये दे दिया आपने। उसके बाद फिर आपने लिखा स्टार पीवी इक्वल टू जीरो, और फिर आपने लिखा प्रिंट एफ स्लैश एन स्टार पीवी इक्वल टू परसेंटेज डी, वी इक्वल टू परसेंटेज डी और कॉमा स्टार पीवी कॉमा वी। अब देखिए यहाँ पे जो आपने स्टार पीवी इक्वल टू जीरो दिया है, इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि चाहे आप यही पे कमेंट लाइन लिख लीजिए, इससे ये हुआ कि रीसेट वी इनडायरेक्टली, वी को हमने रीसेट कर दिया, रीसेट वी इनडायरेक्टली। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने मेन की बॉडी क्लोज कर दी। अब क्या होगा कि दिस प्रोग्राम बिगेंस बाय असाइनिंग एन इनिशियल वैल्यू ऑफ 3 टू द इंटीजर वेरिएबल वी। तो अब ये प्रोग्राम कहाँ से शुरू हो रहा है? ये प्रोग्राम देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है कि हमने एक इंटीजर वैल्यू, यहाँ पे देखिए आप एक इंटीजर वैल्यू 3 इसको मान लीजिए और कायदे से लिख लीजिए, से दिस इज 3। ये तो इंटीजर वैल्यू जो है हमने 3 असाइन कर दी यहाँ पे। ठीक, अब क्या होगा? एंड देन असाइन द एड्रेस ऑफ वी टू द पॉइंटर वेरिएबल पी वी। उसके बाद हमने क्या किया कि वी का जो एड्रेस है वो असाइन कर दिया पी वी को। ठीक है, ये हमने असाइन कर दिया यहाँ पे वी का जो एड्रेस है वो पी वी को। अब क्या होगा? हेंस पी वी बिकम्स ए पॉइंटर टू वी, द एक्सप्रेशन स्टार पी वी देयर फोर रिप्रेजेंट द वैल्यू 3। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट इज इंटेंडेड टू इलस्ट्रेट दिस बाय डिस्प्लेइंग द करेंट वैल्यूज ऑफ स्टार पी वी एंड वी। तो अब ये जो पहला प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट है, यहाँ से आपका क्या प्रिंट होगा? यहाँ से प्रिंट होगा स्टार पी वी इक्वल टू 3 एंड वी इक्वल टू 3। ठीक, उसके बाद फिर हमने क्या किया? पहले प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट के बाद हमने स्टार पीवी को रीसेट कर दिया 0। तो यहाँ पे देखिए स्टार पीवी रीसेट हो गया 0। अब इसके बाद देयर फोर वी विल बी रीअसाइन द वैल्यू 0। दिस इज स्टेटेड बाय द सेकेंड प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट विच कॉजेज द न्यू वैल्यूज ऑफ स्टार पीवी एंड वी टू बी डिस्प्लेड। तो व्हेन दिस प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द फॉलोइंग आउटपुट इज जनरेटेड। तो जब ये सेकेंड लाइन जब प्रिंट एफ होगी तो आपका आएगा स्टार पी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, और v इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द वैल्यू ऑफ v हैज बीन अल्टर्ड बाय असाइनिंग ए न्यू वैल्यू टू स्टार पी वी। ठीक है, यानी v की वैल्यू जो है अल्टर हो जा रही है जब हम स्टार पी वी को नई वैल्यू असाइन करते हैं। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।